हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं एक हिमालयन रेस्टोरेंट पे आया हूँ, पानीर में है ये। इसका नाम है एती द हिमालय, आई थिंक आई राइटली प्रोनाउंस दैट, या एती द हिमालयन किचन, राइट। तो ये इनके दो ब्रांच है, कल्याणी नगर में भी है और पुणे में, यहाँ पे बानेर में है। तो मैं आज आया हूँ यहाँ पे डिनर करने के लिए फैमिली के साथ। तो चलेंगे, आपको सारे मेनू आइटम्स के बारे में बताएंगे। यहाँ पे चाइनीज भी मिलता है, थाली सिस्टम मिलता है। बेसिकली मेरा टारगेट है हिमालयन, जो तिब्बतियन एक पर्टिकुलर कास्ट है, तो एक मतलब वहाँ पे लोकल्स है, जो ट्राइब्स है एक टाइप, वो ट्राइब्स के लोकल जो खाना है उसके बारे में यहाँ पे एक थाली मिलता है, तो जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। थाली के सारे आइटम्स के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में बताऊँगा। तो चलो चलते हैं इस रेस्टोरेंट में, देखते हैं क्या है, और मैनेजर से भी बात करेंगे यहाँ के क्या है स्पेशलिटी, क्या है इन सभी के बारे में। तो चलो, इनके एम्बियंस, खाना, सभी का डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज। चलो, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। ये है एती स्पेशल वेज मोमो। प्लेट का डिजाइन भी थोड़ा अद्भुत है, आगे से देखो टिल्ट है ऊपर की तरफ, ये थोड़ा यूनिक है। सामने की तरफ जो आप देख रहे हो, यहाँ से वो टिल्ट है ऊपर की तरफ, फ्लैट है वो टिल्ट है। खाके देखते हैं कैसा है। एक हाथ से खाना दिक्कत है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, कितना सॉफ्ट है, मुझे सॉफ्ट है। हाँ, अच्छे से कट गया मोमोस। टेस्ट गुड। थाली में नॉनवेज ऑर्डर किया, नॉनवेज में चिकन ऑर्डर किया, फिश भी है और वेज भी दिख रहा है आपको। हमने पहले एती स्पेशल कोठे मोमोज खाए, उसके बाद हम थाली, हमने चाव चाव भी लिया 325 रुपीज का। ये है चाव चाव। तिब्बतियन एपिटाइजर में हमने चिली पनीर लिया, ये है चिली पनीर।
चिली पनीर ट्राई करके देखते हैं। तिब्बतन एपिटाइज में चिली पनीर थोड़ा मीठा है, थोड़ा खट्टापन भी है। ऐसे चिली पनीर मैंने कभी खाया नहीं, बड़ा अलग ही टेस्ट है। अभी थोड़ा चाउ चाउ नूडल्स ट्राई करके देखते हैं। चाउ चाउ नूडल्स का टेस्ट जो है मैं बोलूंगा ओके है। चाउ चाउ नूडल्स का एक चीज है, बहुत लाइट से बनाया, मतलब आपको हेवी नहीं लगेगा खाके, लेस ऑयली है, ऑयल कम है, तो ऐसे जैसे घर के जैसा थोड़ा सा लाइट है, तो रिच नहीं है, उस हिसाब से अच्छा बोल सकता हूँ। में क्या क्या आइटम दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। पालक की सब्जी, आचार में मूली का आचार मिला, ये आलू टकेरो हैं, सैलो फ्राई करेला है, हमें डेजर्ट में सूजी का एक डेजर्ट मिला, कर्ड, पापड़, चिकन करी और दाल, और प्लेन राइस भी मिला। और एक डिश है गंद्रुक सदेको, जो नेपाली डिश है, उसके जगह पे हमें ये सैलो फ्राई करेला मिला। अच्छा है, फ्राई किया है करेला को, एकदम घर में जैसा होता है ना वैसे। डेजर्ट भी है, आलू का सब्जी है, तो मैं थोड़ा सा दाल राइस के साथ मिक्स करके शुरू करता हूँ। व्हाट, ये भी लाइट है, पापड़ को थोड़ा साइड में करता हूँ, थोड़ा थाली थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, इतना कुछ आइटम है उस हिसाब से थाली का साइज थोड़ा छोटा है, जगह नहीं मिल रहा है। अच्छा है, थोड़ा साथ खा के देखता हूँ। ये भी एकदम लाइट बना है, बढ़िया। आलू थोड़ा हमारे जैसे घर में फ्राई करते हैं हल्का आलू वैसे है, करेला भी अच्छा लगा, थोड़ा चिकन टेस्ट करके देखते हैं। एकदम जूसी है चिकन, फ्रेश है। चिकन का जो रसा है ये भी लाइट ही लग रहा है। एक चीज बोलना पड़ेगा, जो भी डिशेस मैं खा रहा हूँ यहाँ पे सभी में तेल मसाला का क्वांटिटी कम है, तेल भी बहुत ही कम है। जैसे हम घर में हल्का सा चिकन करी बनाते हैं वैसे है, कर्ड भी एकदम फ्रेश है।
खाने में जितने भी मैंने टेस्ट किया सारे मेनू आइटम सभी अच्छे हैं। पापड़ में सिर्फ ऑयल है, बाकी किसी में भी ऑयल नहीं है। अगर अब मैं बोलूँगा तो ऑयल अगर किसी में है तो सिर्फ पापड़ को फ्राई किया तो उसी में ऑयल है, बाकी किसी में ज़्यादा ऑयल नहीं है। और खाने का जो टेस्ट है ना, वहाँ पे हिमालयन जैसे लोकल फूड रहते हैं, अगर आप स्पीति वैली या हिमाचल गए होंगे कभी, तो वहाँ पे जो लोकल फूड्स मिलते हैं उस टाइप के खाना है ये। तो मैं इसको अच्छा रेटिंग दूंगा, अच्छा लगा एकदम। लोकल वहाँ के जैसे फूड्स होते हैं तो ऐसे लोकल फूड्स के जैसे टेस्ट है। ओके ओके, तो मैं थाली फिनिश करता हूँ, उसके बाद एक ओवरऑल रिव्यू में इसका रेटिंग दे दूंगा वीडियो में। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर स्टे विथ मी। तो मैं ये थाली खत्म करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय, ये थी द हिमालयन किचन। ये तिमीन ये होता है, क्रेचर होता है, आदि मानव माउंटेन मैन जिसको बोला जाता है। तो हमारा रेस्टोरेंट बेसिकली है हिमालयन क्विजिन, लाइक वी सर्व नेपलीज, भूटनीज, तिब्बतियन, देन सम मेघालयन डिश, दिस काइंड ऑफ फूड। ओके, देन हमारा रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ था 2010। ओके, ऑलमोस्ट 14 प्लस ईयर्स हो गया। तो पुणे में हमारा है, एक कल्याण नगर में है और एक है बानेर रोड जो है सीधा आइकन वहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग लाइक नेपलीज फूड, थुप्पा, देन थूप, देन तकाली थाली, देन तिब्बतियन मोमो, जूसी मोमो, देन वी सर्व तिब्बतियन या चीज़ी करी जिसको दाची बोलते हैं, और उसके साथ टिंगमो सर्व होता है। टिंगमो मतलब होता है स्टीम वान होता है। देन वी हैव जादो ढोकले, देन वी हैव लाइक नेपलीज स्टाइल स्टर फ्राइड नूडल्स, चौचो, देन काफ़ी सारा मॉकटेल भी है, मॉकटेल कॉकटेल हिमालयन स्टाइल। देन इन डेजर्ट वी हैव लाइक योमारी स्नेफ्रा डम्पलिंग, देन वी हैव चंगुरा खीर, रागी बर्फी। ओके, मैंने थाली लिया था आपका। ओके, एटी चिकन थाली मुझे बहुत पसंद आया। okay. शायद वो लोकल है राइट, मतलब तिब्बतियन लोकल स्टाइल का बना हुआ, क्योंकि ऑयल बहुत ही कम था उसमें। ये जो है बेसिकली तकाली, मतलब एक नेपाली कास्ट होता है जिसको तकाली बोला जाता है। तो तकाली, तकाली, हाँ तकाली, अच्छा। तकाली, हाँ, तो उनका वहाँ से वो लोग जैसा ट्रेडिशनल जो होता है उसी हिसाब से हम लोग सर्व करते हैं। अच्छा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यस यस, मुझे अच्छा लगा। उसमें सिर्फ एक एक ही चीज में ऑयल था, बाकी किसी में भी ऑयल था, वो है पापड़। ओके ओके ओके, बाकी किसी में भी ऑयल ना थे, एकदम घर के जैसा लगा। और मैंने हिमाचल में घूमा है। ओके, तो वहाँ के लोकल फूड मुझे बहुत अच्छा लगा था। ओके ओके, तो वैसे ये भी मेरे को वैसे लगा लोकल। थैंक यू सो मच सर। सो होटल के जैसा नहीं लगा कि मैं किसी होटल में खा रहा हूँ। राइट सर, राइट सर। सबसे बड़ी बात हम लोग क्या है, लाइक घर के जैसा खाना बनाता है। नो टू मच मसाला, नो ऑयल यूज करते हैं, बट बहुत कम यूज करते हैं। और पापड़ के बारे में, एक्चुअली हमारे पास तंदूर नहीं है, दैट्स व्हाई सो थोड़ा पॉसिबल नहीं है कि रोस्ट करके दे। अच्छा, तो आई होप कि इसको भी थोड़ा इंप्रूव करेंगे। अच्छा अच्छा, एंड आपको भी आई थिंक अच्छा लगा होगा। एक हाँ, मेरे को अच्छा लगा, जैसे मैंने बोला बाकी के जो आइटम हमने लिए थे, चाइनीज भी लिए तो वो भी अच्छा लगा, मोमोज भी लिए अच्छा लगा। मेरे जो व्यूअर्स है थोड़ा मिक्स व्यूअर्स है, तो एक सजेशन था कि जो ड्रिंक्स आप लोगों का है थोड़ा सारा उसको अगर सेपरेट करते, जैसे फैमिली है कोई आता है जो लोग चलो कि ड्रिंक्स नहीं लेते या पसंद नहीं करते, तो वो फिर थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। ओके, वो एक चीज अगर सेपरेट कर दो, ओके, तो वो अच्छा रहेगा। श्योर सर, डेफिनेटली हम अपना मैनेजमेंट को बताएंगे। बाकी हमको थोड़ा सा अजीब लग सकता है। तो डेफिनेटली सर, मैं मेरे मैनेजमेंट के साथ मैं बात करूंगा। या ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।